हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्राइड वंस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पालक के पकौड़ों की रेसिपी, जो कि बहुत ही क्रंची, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही पौष्टिक होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने ढेर सारा पालक ले रखा है। इसको मैंने धोकर अच्छे से फाइनली चॉप कर लिया है। इसके अलावा हम लेंगे प्याज और एक हरी मिर्च। इसके बाद मैंने एक बॉल लिया है, यहाँ पर हम इसमें जो हमने पालक चॉप करके रखे थे उसे ऐड करेंगे। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी बेसन, यहाँ पर मैंने 2 कटोरी बेसन ऐड किया है, देख सकते हैं। अगर आपको इसे कम क्वांटिटी में बनाना है तो आप कम बेसन और कम पालक यूज़ करें। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी का पाउडर, ये सिर्फ कलर के लिए होता है। इसके अलावा हम इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है 1 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और प्याज। अगर पकौड़ों में प्याज ना रहे तब तो फिर उसका टेस्ट आता ही नहीं है। चलिए, तो फिर अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। इसके बाद हम इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए दोस्तों, इसको मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया है। हम इसको बिल्कुल अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। हम देखेंगे कि हमारा जो पालक है वो धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगेगा। देखिए, इसको बहुत अच्छे से आप मिक्स करिए ताकि पूरा जो पालक है उसमें बेसन अच्छे से मिक्स हो जाए। चलिए, फिर अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी। जिस कटोरी में मैंने बेसन लिया हुआ था उसी में मैंने 1 कटोरी पानी ऐड किया है। इससे ज़्यादा आप पानी इसमें ऐड नहीं करें, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा गीला हो जाएगा जब हमारा पालक जो है वो पानी छोड़ने लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है, पानी की इसमें हमें और ज़रूरत नहीं पड़ी। तो चलिए, यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें छोटे छोटे पकौड़ों को डालना शुरू करेंगे। आप चाहें तो साइज़ अपने हिसाब से थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा रख सकते हैं। देखिए, इसमें आप सावधानी से इसमें पकौड़े डालना शुरू कर दीजिए और एक बार में इतना ही पकौड़े डालें जो बिल्कुल अच्छे से इसमें फ्राई हो सके। एकदम ज़्यादा इसमें हम नहीं ऐड करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही पालक तो हम जानते हैं कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने सारे पकौड़े डाल लिए हैं, ये सेट हो चुका है। तो अब हम इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर, एकदम हाई फ्लेम पर नहीं, मीडियम फ्लेम पर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। देखिए ये कितने अच्छे से इसका, अभी भी हल्का हल्का सा इसका कलर चेंज होने लगा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जेंटली हम इसे स्टर करते रहेंगे। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी होता है। आप इसको एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल सेट हो चुका है। तो अब हम इसे कलर देने के लिए गैस हाई फ्लेम पर रखेंगे और इसे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक चलाते रहेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा पकौड़ा बिल्कुल तैयार हो चुका है। कितना अच्छा इसका कलर आया है। तो चलिए, इसको हम टिश्यू पेपर पर हम इसे निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो सके इसमें। वैसे तो इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑयल नहीं होता है क्योंकि हमारा पकौड़ा बहुत ही अच्छा बना हुआ है। देखिए, और अब हम इसे बिल्कुल गर्मा गर्म सॉस या फिर चटनी के साथ सर्व करेंगे। आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे वीडियोज़ को इसी तरीके से देखते रहें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।